तो इसको मोड़ने में जो है थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है, वैसे तो जो है इजीली मुड़ गई। अभी फिलहाल अपने इस वाले फार्म पे सबसे ज़्यादा एनिमल है, और इस वाले फार्म पे सारे ही एनिमल हैं, और उनके लिए खाने का इंतजाम तो मैंने कर दिया था। बट अभी क्या है कि अभी मैंने यहाँ पे जो है वीट हार्वेस्ट होने के लिए लगा रखा है, और वीट वाला जो खेत है वो आधा ही हार्वेस्ट हुआ है, और जो उससे पहला हार्वेस्ट हुआ था वो तो मैंने यहाँ पे लाके डाल दिया था, और ये काफ़ी सारा खाना यहाँ पे चिकन्स के लिए हो गया है, तो चिकन्स के लिए तो लंबे टाइम के लिए खाना चल जाएगा। अब इसके बाद जितना भी वहाँ से वीट निकल रहा है वो सारा का सारा मैं सेल करने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि अपने काओबांग के पास एक खेत है जिसमें जो है पोटैटो लगे हुए हैं, वो मुझे परचेज करना है ताकि मैं वहाँ से पोटैटो निकाल के अपने पिग्स के लिए जो है खाना अपने फार्म पर रेडी कर सकूँ। तो आज जो है अपने वीट जितने भी निकलेंगे उनको सेल करने वाला हूँ, और उसके बाद एक और खेत है उसमें देखना है कि वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हुआ है या नहीं हुआ, अगर वो रेडी हो गया तो उसे भी हार्वेस्ट कर लूँगा। बाकी आज मैं एक नई चीज़ ट्राई करने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मैं एक रोड ट्रेन बनाने वाला हूँ, मतलब ट्रक से ट्रेन बनाने वाला हूँ, उसके पीछे काफ़ी सारे ट्रेलर अटैच करने की ट्राई करेंगे। अभी फिलहाल तो 5-6 ट्राई करता हूँ, अगर वो सही से जो है सक्सेसफुल हो गया तो फिर उसके पीछे और एक्स्ट्रा ट्रेलर बाद में अटैच करूँगा। और ट्रेलर मैंने परचेज कर लिए हैं, शोरूम पे पार्क कर रखे हैं, और बाकी उन ट्रेलर्स के अलावा मैंने 2 ट्रॉली और परचेज किए हैं पीछे छोटे वाली, एक तो मैं इसी ट्रैक्टर के साथ अटैच करने वाला हूँ, तो पहले इसी ट्रैक्टर को लेकर शोरूम पे चलता हूँ और उस वाली ट्रॉली को यहाँ ले आता हूँ, और बाकी एक ट्रॉली जो है मैं गाड़ी के पीछे अटैच करने वाला हूँ, और बाकी ट्रक के वहाँ पर ट्रेलर आ चुके हैं उन्हें भी एक बार देख लेता हूँ। तो पहले एक बार यहाँ से शोरूम पर चल लेते हैं, पास में ही है, सामने ही आ जाएगा यहाँ से राइट साइड ही। बाकी इस ट्रैक्टर की स्पीड ज़्यादा नहीं है, इस ट्रैक्टर की स्पीड सिर्फ 20 की है, बट ठीक है, छोटा ट्रैक्टर है, इससे ज़्यादा लोड जो है खींचना भी नहीं है, थोड़े बहुत लोड इस पर जो है ट्राई करना है, तो 20 की स्पीड उसके लिए सफिशिएंट है। बाकी इधर ये लेफ्ट साइड भी कोई खेत वगैरह तो नहीं लग रहा, ये लेफ्ट में तो खाली ज़मीन लग रही है, बट मैं जो है खाली ज़मीन को भी खेत में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसके लिए प्लो वाला टूल आता है, उससे मैं कहीं पर भी जो है फील्ड्स क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब जहाँ पर ज़मीन है ऐसे रोड पर क्रिएट नहीं कर सकता। इधर जितना भी ये साइड में घास वास है इसमें मैं अपने फील्ड्स को जो है एक्स्ट्रा थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, या फिर 2 फील्ड्स को जो है आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे ट्रेलर पार्क हो रखे हैं, ये सारे के सारे मैंने ऑर्डर किए थे, बाकी जितने भी ये ट्रेलर हैं ये मैंने जो है सारे रेंट पे लिए हैं, अभी परचेस नहीं किया क्योंकि परचेस करने में ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। और एक इशू और भी है कि ये ट्रेलर जो है सिंगल पीस में नहीं आता, ये दोनों इकट्ठे एक साथ ही आते हैं, बट ये 2 अलग अलग ट्रेलर है, और ये पीछे वाला ट्रेलर जो है मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस वाले ट्रेलर के पीछे एक्स्ट्रा और ट्रेलर अटैच नहीं हो सकता, तो ये पीछे वाला ट्रेलर तो मुझे जो है छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ ये आगे वाला ट्रेलर यूज़ करना पड़ेगा, और इसके पीछे एक एक ऐसे ट्रेलर जो है यहाँ से अटैच करता चला जाऊँगा, बाकी मैं भी दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और इस वाले ट्रेलर के पीछे कुछ अटैच हो ही सकता है, इसलिए लास्ट में सिर्फ ये वाला ट्रेलर यूज़ होगा। तो मैंने अभी जो है यहाँ 5 ऐसे मंगाए थे, तो 5 में से जो है ये 4 तो यूज़ नहीं होने वाले, 4 तो ये ऐसे वेस्ट जाने वाले हैं, बाकी ये रेंटेड हैं, और देखना पड़ेगा कि ये सिंगल सिंगल वापस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और सिंगल सिंगल वापस हो पाएंगे तो मैं सिर्फ ये वाला वापस कर दूंगा और ये वाला रहन दूंगा। अभी एक बार ट्राई भी कर लूँगा, इसके लिए ट्रक लेके आऊँगा, और बाकी इसके अलावा मैंने 2 छोटी ट्रॉली और मंगाई थी, ये इधर आई हुएंगी, ये रही यहाँ पे, एक तो काफ़ी ज़्यादा छोटी वाली है, इसको मैं गाड़ी के पीछे अटैच करने की सोच रहा हूँ कि जो मेरे पास गाड़ी है उसके पीछे अटैच कर लूँगा, और इस वाली को मैं ये जो ट्रैक्टर लेके आऊँ इसके पीछे अटैच कर लूँगा। और मेनली मैं इसमें सोच रहा हूँ कि इसमें मैं अपने एनिमल्स का जो फूड वगैरह है वो ट्रांसपोर्ट करूंगा, बाकी देखना पड़ेगा इसका यूज़ क्या होगा। अगर ये वाली ट्रॉली जो है इस छोटे ट्रैक्टर से नहीं खींच पाई तो मैं ये वाली ट्रॉली जो है छोटे ट्रैक्टर पे यूज़ कर लूँगा, और इस वाली को फिर बड़े वाले ट्रैक्टर पे यूज़ कर लूँगा। तो अभी छोटे वाले ट्रैक्टर पे लगा के एक बार चेक कर लेते हैं, और उसके बाद जो है अपने ट्रक को लेके आऊँगा। ट्रक अभी फिलहाल खेत में खड़ा हुआ है, वहाँ पर जो है गेहूँ निकल रहे हैं, वो गेहूँ उसमें पीछे लोड हो रखे हैं, और हार्वेस्टर वहाँ पर काम कर रहा है, तो इसलिए वो जो है वहाँ पर ऑलमोस्ट फुली होने वाला है, और अभी जो है उसे मैं लेके आऊँगा यहाँ पर, तो जो है सेल भी कर दूँगा क्योंकि सारे गेहूँ सेल करने हैं, बैलेंस अभी चाहिए दूसरे नए खेत परचेज करने के लिए। और इसकी तो अटैचमेंट भी थोड़ी डिफरेंट सी लग रही है, बट हो गई अटैच इस पर, और सही लग रहा है, मेरे को लग नहीं रहा इतना कोई इशू होने वाला है, तो ये आराम से जो है इसे खींच लेगा, और बाकी लोड डालने में पता चलेगा कि पीछे लोड डालने के बाद इस ट्रैक्टर की क्या हालत होती है। अभी फ़िलहाल तो सही काम कर रहा है इसलिए लेके चलता हूँ इसी ट्रैक्टर के साथ ही। इस ट्रैक्टर ट्रॉली को मैं जो है काओबांग के पास लगे छोड़ देता हूँ, और वहीं पे जो है इसका कुछ ना कुछ यूज़ होना है, मतलब पिग बान में भी यूज़ कर सकता हूँ, हॉर्स के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर शीप्स के लिए, मतलब एनिमल्स के लिए कुछ भी खाने पीने का सामान या रॉ मटेरियल लेके आना होगा तब मैं इस ट्रैक्टर ट्रॉली को यूज़ करूँगा। और अभी यहाँ पे जो है वैसे मैंने सारे एनिमल्स का खाना डाल ही दिया है, काउस को भी लास्ट टाइम खाना दे ही दिया था, अब जो है उनके लिए बस रॉ मटेरियल ला के डालना है, वो जो TMR की मशीन है वो मैं यूज़ नहीं करने वाला, और डायरेक्टली मैं जो है रॉ मटेरियल ला के काओबान में डाल दूँगा, वहाँ पर उनके लिए अपने आप ऑटोमेटिकली खाना बनता रहेगा। और फिलहाल मैं क्या करता हूँ यहाँ साइड में पार्क करता हूँ इसको, इधर ना इधर की साइड ठीक रहेगा।
तो अपने तीन घोड़े ऊपर वहाँ पे है माउंटेन के पास जहाँ पे अपना घर है, उन्हें भी लाके मुझे इस वाले हॉर्स बार के अंदर छोड़ना है, क्योंकि वहाँ पे उनके खाने का प्रॉपर इंतजाम हो नहीं पा रहा, इसलिए जो है उन्हें यहाँ छोड़ दूंगा तो उनका प्रॉपर खाने वगैरह का यहाँ पे ऑटोमेटिकली होता रहेगा, और जब भी मुझे यूज़ करना हो तो मैं एक एक करके घोड़े को यहीं से ले जाऊँगा। बाकी अभी सामने वाले खेत में हार्वेस्टर लगा हुआ है तो इधर से चलता हूँ एक बार, और हार्वेस्टर वैसे फुल हो गया होगा और अपना ट्रक भी वहीं खड़ा हुआ है, उस ट्रक में जितने भी गेहूँ हैं उन्हें पहले सेल करता हूँ ले जाके, और उसके बाद उस ट्रक को लेकर चलता हूँ शोरूम पे, वहाँ से रोड ट्रेन बना के लेके आता हूँ। तो ये खेत वैसे जो है ऑलमोस्ट हो ही गया हार्वेस्ट, बट अभी रहता है उधर की साइड 30% के आसपास रहता है, और ये खेत कुछ ज़्यादा ही लंबा है, इतनी दूर हार्वेस्टर वहाँ काम कर रहा है और अपना ट्रक भी जो है इतनी दूर खड़ा हुआ है, इतना छोटा लग रहा है, और इधर की साइड भी दूर दूर तक खेत ही दिख रहा है। तो इस खेत से काफ़ी सारा गेहूँ निकला है, बट देखना ये है कि उस गेहूँ का अमाउंट कितना मिलता है और अभी रेट क्या चल रहा है। ये रहा अपना ट्रक, और ये भी जो है ऑलमोस्ट फुली हो गया है, अभी 89% तो भरा हुआ है। अब बस इसे हार्वेस्टर के पास ले चलता हूँ, क्योंकि हार्वेस्टर भी शायद रुका हुआ है, इधर से रुका हुआ दिख तो रहा है, तो हार्वेस्टर भी जो है फुल हो रखा है। तो ये अपना ट्रक तो जो है फुल हो गया, पीछे वाले में थोड़ी सी जगह है, आगे वाले तो फुल हो गया, इसमें दो कंपार्टमेंट है अलग अलग, पीछे वाला ही फुल हो गया, तो हार्वेस्टर थोड़ी देर में फिर से रुक जाएगा। तो अभी फटाफट से मैं इस गेहूं को सेल कर देता हूँ, और जो है ये वाली ट्रॉली मुझे यूज़ नहीं करनी, ये ट्रॉली मुझे अपने फार्म पे लाकर वापस छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये अपनी खरीदी हुई ट्रॉली है, और जो दूसरी ट्रॉली खड़ी हुई है ऊपर अपने घर के पास वो वाली यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी ट्रॉली के थ्रू मैं पीछे और अटैचमेंट लगा सकता हूँ, इस वाली ट्रॉली के पीछे तो कोई अटैचमेंट लग ही नहीं सकती। अभी फिलहाल यहाँ पे पहली बार मैं गेहूँ सेल करने जा रहा हूँ, तो अभी देखना पड़ेगा कि गेहूँ मैं कहाँ पे सेल कर सकता हूँ, एक बार मैप पे देख लेता हूँ गेहूँ कहाँ पे सेल हो सकते हैं। तो गेहूँ के लिए जो सबसे बेस्ट रेट मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है वाइल्ड वेस्ट वेयर हाउस मार्केट में, तो यहाँ पे मुझे 867 यूरो मिल रहे हैं, तो इसकी लोकेशन मार्क कर लेता हूँ। तो मैप पे तो यहाँ पे दिखा रहा है जहाँ पे अपना ट्रक पार्क हो रखा है, यहाँ से मुझे राइट लेना है फिर दूसरा लेफ्ट लेना है और वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। तो अपना ट्रक इधर पार्क हो रखा है, ये रहा, यहाँ से राइट लेता हूँ बस, तो ये वाला लेफ्ट लेना है, और वो सामने मुझे लोकेशन दिखने भी लग गई है, इधर दिख रही है, उधर से पेड़ों के पीछे नहीं दिख रही थी, यहाँ से सामने विजिबल है वो, ऊपर जो है अलग से मार्क हो रखा है। ये वाली ग्रेन मिल है, और है तो ये काफ़ी बड़ी, और इसमें मुझे यहाँ पे लाके सेल करना है, इधर है सेल करने के लिए। बस इधर आ गई सेल करने की ऑप्शन, और ये इसमें दो कंपार्टमेंट है तो अलग अलग सेल करना पड़ेगा, पहले आगे वाली खाली हो रही है, तो अभी जो है आधी खाली हुई है, इसके मुझे 17,187 यूरो मिल गए, और अब दूसरे वाली को लगा लेता हूँ, दूसरे वाली का ऑप्शन आ गया, इससे भी खाली कर देता हूँ। इसका भी सेम अमाउंट मिलेगा, क्योंकि ट्रॉली में दो कंपार्टमेंट है और दोनों 50-50% कैपेसिटी पे हैं, तो इसका भी 17,188 यूरो मिल गया। तो अभी जो है थोड़ा सा तो अमाउंट आ गया, मतलब 34,000 के आसपास आ गया, और अभी तो जो है गेहूँ बचे हुए हैं, तो अभी तो हार्वेस्टर में भी काफ़ी सारे हैं, और अभी खेत से भी निकलने वाले हैं, और अब मैं पहले चल के जो है इस ट्रॉली को छोड़ दूँ फार्म पे, और वहाँ से दूसरी वाली ट्रॉली लेके शोरूम पे चलूँ, और इस वाली ट्रॉली को मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, इधर की साइड ठीक है, इसे बीच में यहीं छोड़ दिया, और जो दूसरी ट्रॉली है वो ऊपर खड़ाड़ को रखी है, वहाँ से लेके आनी है, और सिंगल ट्रॉली तो इस रास्ते से ईजिली आ जाएगी, बट ये ट्रैक्टर थोड़ा सा बीच में पार्क हो रखा है, इसको यहाँ से हटाऊँ, क्योंकि जब ऊपर से ट्रॉली लेके आऊँगा तो यहाँ पे वैसे निकल जाएगी बट अटक भी सकती है, इसलिए जो है पहले हटा देता हूँ, क्यों फालतू में अटका नहीं, और इसे जो है ना इधर पार्क करता हूँ, इस ट्रैक्टर को थोड़ा नीचे से भी चेक कर लेंगे बाद में कि नीचे से जो है इसमें क्या क्या ताम झाम है अभी जो है, क्योंकि मेरे पास नीचे ऑप्शन है यहाँ से जाके ट्रैक्टर को चेक करने की। और मैं इस वाले ट्रक से जो है रोड ट्रेन बना तो रहा हूँ, बट ऐसा ना हो कि इतने सारे जब मैं ट्रॉली अटैच कर लूँ तो ये जो है चले ही ना, बट ऐसा होगा नहीं, खाली तो खींच ही लेगा, लोड में बेशक ना खींच पाए, और अगर लोड में नहीं खींच पाया तब दूसरा ऑप्शन है कि जितने भी अपनी ये ट्रॉली पीछे अटैच होंगी इनको मैं ट्रक की जगह बड़े वाले ट्रैक्टर से खींच लूँगा, एक बड़ा ट्रैक्टर ले लूँगा और उससे देख लेंगे, उससे तो आराम से खींच ही लूँगा, एक 1500 BHP वाला ट्रैक्टर भी आया है जो मैंने अपने दूसरे फार्म पर परचेज़ किया है, उसे यहाँ पर परचेज़ कर लूँगा, और वो तो बहुत इजीली खींच के ले जाएगा, वो कितना ही लोड डाल लो उस पर भी खींच ही लेगा। ये वाली ट्रॉली होगी अटैच और इसे लेके चलता हूँ अब, और वहाँ पे जो है पांच ट्रॉली तो जो है बीच में अटैच हो जाएंगी, और एक पीछे अटैच हो जाएगी, 6 और 1 ये, तो
तो 60 ट्रॉली लग जाएंगी पूरी मिला के, तो 7 ट्रॉली वाला जो है अपना ट्रक बन जाएगा। तो इसको जो है यहाँ से लेके चलता हूँ, इस वाले रास्ते से अपना शोरूम जो है ना पास पड़ता है, इस वाले रास्ते से निकाल लेता हूँ। तो ट्रक लेके मैं यहाँ पे आ गया और अब जो है डिफ़िकल्ट काम शुरू होने वाला है, क्योंकि इन ट्रॉलीज़ को आपस में अटैच करना इतना आसान काम नहीं रहेगा, इन्हें आपस में अटैच करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो अभी देखना ही पड़ेगा कि इन सबको आपस में अटैच करने के बाद मैं प्रॉपर कंट्रोल कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। तो अभी सबसे पहले इसी को अटैच करके देख लेता हूँ, अगर ये वाली ट्रॉली जो है इससे अटैच हुई तो कुछ हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाई तो फिर जितना भी सामान रेंट पर मैंने लिया है सब वापस करना पड़ेगा। अटैचमेंट की आ तो गई ऑप्शन, तो चलो ये इसका मतलब अटैच तो हो रही है, ये तो कंफर्म हो गया। तो अब करना क्या है, पहले यहाँ से इस ट्रक को हटा लेना है और अब एक और यहाँ से ट्रॉली लेनी है और इसमें आगे ला के अटैच कर देनी है। एक और अटैच हो गई और अब मैं इन 4 ट्रॉलीज़ को पहले निकाल के ना बाहर रोड पर पार्क करने वाला हूँ सीधा करके, क्योंकि यहाँ पर जगह काफ़ी कम है। इधर जो है एक ट्रॉली ला के रिवर्स करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो पहले जो है इसे इधर निकाल लेता हूँ, यहाँ पर काफ़ी जगह है। इधर सामने वाले खेत में भी पार्क कर सकता हूँ, यहाँ से जो है ठीक रहेगा, ये ट्रैफिक भी नहीं रुकेगा। और इधर सीधा करके पार्क कर लेता हूँ, फिर एक एक करके यहाँ पे लाके जो है कनेक्ट करता रहूँगा। तो ये 4 हो गई और अभी जो है सबसे आगे वाली को हटा देता हूँ, अब वहाँ से और लेके आता हूँ और इसमें 3 और ला के अटैच करनी है अभी। तो अब जो है एक और मैं ले आया और यहाँ पर ईज़िली काम हो जाएगा, इधर रिवर्स करने की जगह काफ़ी सारी है, इधर मैं ट्रक को सीधा करके आराम से रिवर्स कर सकता हूँ। एक और हो गई अटैच, इसके बाद जो है बस एक और लेके जानी है और जो 4 रह जाएंगी उन्हें मैं जो है वापस करने का ट्राई कर लूँगा, क्योंकि उनका रेंट चल रहा है तो अगर वो वापस हो जाएंगे तो थोड़ा अपना खर्चा कम हो जाएगा। और यहाँ से मैं सारी ट्रॉलीज़ को जो है ना अलग अलग कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे मुझे आगे वाली का कवर ओपन करना है तो इसको कर लिया, और फिर इससे सेकेंड वाली का, और ऐसे करके मैं लास्ट वाली का भी जो है वहाँ तक कंट्रोल कर सकता हूँ। सारी ट्रॉलीज़ का कंट्रोल अलग अलग है और वो मैन्युअली सेट कर सकता हूँ कि कौन सी ट्रॉली को मुझे कंट्रोल करना है यहाँ से। तो ये लास्ट वाला है, इसे अटैच करते ही अपनी रोड ट्रेनिंग का अभी के लिए काम कंप्लीट हो जाएगा, और फिर बाद में जो है इसे और भी लंबी कर सकते हैं। अभी पहले बार कंफर्म हो जाएगी इतना सारा लोड जो है ये ट्रक खींच भी पाएगा या नहीं खींच पाएगा, और उसके बाद अगर नहीं खींच पाएगा तो एक बड़ा ट्रैक्टर लूँगा, और फिर मेरे को लगेगा कि ट्रैक्टर ओवर लोड खींच सकता है, तो बाद में जो है कुछ टाइम के बाद मतलब जब अपनी खेती बाड़ी का यहाँ पे सही से सेटअप हो जाएगा तब जो है इसमें और ट्रॉली अटैच कर लेंगे और इस रोड ट्रेन को और लंबा कर लूँगा। तो ये अपनी हो गई 60 ट्रॉली वाली रोड ट्रेन, और इस ट्रक पे लोड तो थोड़ा सा पड़ रहा है, बट ये अभी जो है खेत में है तो शायद इसलिए थोड़ा लोड पड़ रहा होगा, इसे अभी जो है रोड पर लेके चलता हूँ। तो लग तो काफ़ी सही रही है और इतनी स्पीड भी ठीक है, अगर इतनी स्पीड पे भी चल पाया तो ये तो इसको मोड़ने में जो है थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है, वैसे तो जो है इजीली मुड़ गई। अब ना एक काम करता हूँ, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, इसको यहाँ ही छोड़ता हूँ। ये जो ट्रॉली यहाँ पीछे वाली रह गई है ये मेरे यूज़ की नहीं है, इनको वापस करने का ट्राई कर लेता हूँ यहाँ से। ये वाली तो मेरे कोई काम में नहीं आने वाली, ये तो बिल्कुल लास्ट वाली ट्रॉली है जो लास्ट में लगती है, एक ही चाहिए बस। अब इसको यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पे पार्क करके अगर उसको वापस करने की ऑप्शन आ गई तो मेरा थोड़ा रेंट बच जाएगा। आ तो रही है, इसको वापस करके देख लेता हूँ। इसको वापस कर दिया मैंने और अपना उसमें से तो ये ट्रेलर गायब नहीं होगा क्योंकि ये सेट में आए थे, उसमें काउंट कर लेता हूँ 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, उसमें गायब नहीं हुए, तो इन तीनों को ही वापस कर देता हूँ। 3 तो गई वापस, अब ये लास्ट वाली है, बस इसको वापस करके अपनी रोड ट्रेन को वहाँ से इस ट्रक से अटैच करता हूँ और लेके चलता हूँ फार्म पर। और अभी जो है सामने मेरे को दिख रहा है काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है रास्ते में रुक गई हैं, फटाफट से इसे जो है सेल करके वहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक जाम लग जाएगा और फिर मुझे वहाँ पे ट्रक जो है उसे अटैच करने में दिक्कत भी होगी। बस हो गया ये वाला काम। इधर जो है काफ़ी सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं, बट थोड़ी सी जगह है अपने ट्रक के लिए यहाँ पर, इसकी गाड़ी में टच होगा तो जान देते हैं। अबे हटा ले यार, थोड़ी जगह दे दे, इसके ऊपर चढ़ा देता हूँ ट्रक को ना, ये ऐसे तो ट्रक चढ़ेगा भी नहीं इसके ऊपर, तो और सा ट्रक को जो है मुझे 2-3 बार आगे पीछे करना पड़ेगा तब जाके अटैच होगा। हाँ अटैच तो हो गया, अब बस इधर से निकाल लेता हूँ इसको।
अभी ऐसे रास्तों पे तो बिल्कुल सही चल लेगा ये, बट दिक्कत आएगी अपने फार्म पे कि अपने फार्म पे ये वाली रोड ट्रेन मुड़ भी पाएगी या न्यूपोर्ट पाएगी। और अगर फार्म पे नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं, इसको बाहर खेतों में पार्क कर दूंगा। मेनली मैंने इसको जो है खेतों के लिए बनाया है कि खेतों में से अपना जितना भी हार्वेस्ट निकलेगा उसको एक बार में मैं इकट्ठा जाके सेल करके आ सकूँ। तो ये पहला टर्न लिया है और इजीली मुड़ गई, कोई दिक्कत हुई नहीं, बट ये रोड था। और अब जो है इसका पहला चेक तो अपने फार्म के एंट्रेंस पे होगा और ये दूसरा मोड़ आ गया है। और जो पहले वाला रास्ता था वो मैं छोड़ आया, इसलिए जो है मुझे आगे से घूम के आना पड़ रहा है, क्योंकि इसको मैं रिवर्स तो ले ही नहीं सकता, रिवर्स तो ये हो ही नहीं सकती है। वैसे सही तरीके से मुड़ रही है, कंट्रोल तो उसका आसान है, मेरे को लगा था काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इसको चलाना, बट डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी ईजिली चल रही है। और अपने इस वाले गेट से एंट्री लेता हूँ, बट ये यहाँ पे अगर अटक गई ना कोई भी ट्रॉली तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको निकालना, बट मेरे को लग रहा है ये अटकेगी नहीं, ये इजीली चली जाएगी। पहले ट्राई कर लेता हूँ, अगर मेरे को थोड़ा लग रहा होगा अटक रही है तो मैं जो है वापस ले लूँगा। और ये अटकेगी, ये पीछे से ट्रॉली जो है इसमें टच होने वाली है, तो यहाँ से जो है ज़्यादा पंगे लेता नहीं, इसको सीधा खेत में ही पार्क करता हूँ, ये सामने वाला खेत अपना ही है। या फिर मैं इसको बिल्कुल सीधा करके लेके आऊँ तो भी जो है यहाँ पे आगे टर्न है तो भी अटक ही जाएगी। और अभी यहाँ पे हार्वेस्टर काम तो कर रहा है, हार्वेस्टर फुल भी हो गया होगा, तो इस हार्वेस्टर को खाली कर लेता हूँ। अब तो काफ़ी कैपेसिटी है, इतनी बड़ी रोड ट्रेन है, इतना भी गेहूँ निकलेगा या कोई भी और क्रॉप निकलेगी उसे एक बार में खट्टा ले जाके सेल करके आ सकता हूँ मैं। और अब जो है यहाँ पहले वाली ट्रॉली से लोड करना शुरू करता हूँ, उसका पहले कवर ओपन कर लूँ मैं। अभी हार्वेस्टर खाली हो गया, अब बस आगे से यहीं पे पार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे करके निकालता हूँ। और वैसे मेरे को लग रहा है कि ये ट्रक ना जो है बाद में फेल हो जाएगा, जब मैं सारे ट्रॉलीज को लोड कर लूँगा तो तब ये ट्रक शायद जो है अंडर पावर्ड हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, तो तब मैं देख लूँगा या तो कोई बड़ा पावरफुल ट्रक परचेज करना पड़ेगा। वैसे टेस्ला वाला ट्रक सही काम कर सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है नॉर्मल ट्रक से। या फिर मैं एक काम करूँगा, मैं एक बड़े वाला ट्रैक्टर ले लूँगा, जो ट्रैक्टर मैंने अभी परचेज़ किया है जिसमें 12 टायर आते हैं वो वाला काफ़ी पावरफुल है। बस उसके लिए एक चीज़ परचेज़ करनी पड़ेगी कि बीच में एक ऐसी अटैचमेंट आती है जिससे नॉर्मल ट्रक वाली ट्रॉली जो है ट्रैक्टर से अटैच हो जाती है, वो लेके उस वाले ट्रैक्टर से ट्राई कर लूँगा। और वो वाला ट्रैक्टर तो मुझे लग रहा है इतनी बड़ी रोड ट्रेन को आराम से खींच लेगा। और अभी क्या है, अभी मैं इसको यहीं पार्क रहने देता हूँ, और ये हार्वेस्टर तो अभी हार्वेस्ट कर रहा है, इस खेत को हार्वेस्ट होने में टाइम लगेगा। और अभी क्या करता हूँ ना, मुझे काओ बांध के लिए रॉ मटेरियल लेके आना है, वैसे रॉ मटेरियल वहाँ बाहर पड़ा तो है, वो वाला रॉ मटेरियल उठा के डाल देता हूँ अंदर काओ बांध के। और ये वाला खेत मुझे परचेज करना था, बट अभी बैलेंस हुआ है 2,90,000 यूरो, और इस खेत की कीमत मैं देख लूँ कितनी है। तो ये वाला खेत है ये 8 नंबर, और इसकी अभी वैल्यू है 6,60,000 रुपये, पास 2,90,000 है, तो थोड़ा सा अभी और वेट करना पड़ेगा तब जाके मैं इस खेत को परचेज कर पाऊँगा। तो अभी आज के लिए तो जो है पहले मैं काउस को खाना डाल दूँ, क्योंकि बाकी एनिमल्स के लिए तो खाना है, मैंने काफ़ी सारा डाल रखा है। और इधर से अंदर जाने की जगह तो नहीं है, ये तार कूद के जाना पड़ेगा मुझे। तो ये जितनी भी बेल्स यहाँ पड़ी हुई हैं इन सबको इस ट्रैक्टर के अंदर लोड कर लेता हूँ। एक तो उसके नीचे ही आ गई, इसे तो मुझे खींच के निकालना पड़ेगा। और यहाँ से जो है इसके ऊपर डालता हूँ, ये अपने आप लोड होता रहेगा। तो ये इतनी बेल्स यहाँ पड़ी हुई थी, सारी सारी मैं अनलोड कर ली, पहले इसका साइड का ये बंद करूँ, तो बस इसे यहाँ पे सामने डालना है, ज़्यादा दूर लेके जाना नहीं है। ये रहा यहाँ पे जो है फ़ायदा ये होगा कि ऑटोमेटिकली काउस का खाना बन के अंदर जाता रहेगा। बस ये हो गया, और अब इस ट्रैक्टर को यहीं पार्क कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ की कमी रह जाएगी, वो है मिनरल फीड।
और मिनरल फीड मुझे लेके आना पड़ेगा, तभी यहाँ पे खाना बनना शुरू होगा। और वैसे मुझे अभी शोरूम पे जाना ही है, क्योंकि एक छोटे वाली ट्रॉली जो मैंने गाड़ी के लिए ली है वो शोरूम पे ही खड़ी हुई है, उसे लेके आना है। तो उसी में रख के ले आऊँगा मिनरल फीड के। छोटे छोटे डब्बे आते हैं, मतलब पैलेट्स आती है, उसमें छोटे छोटे डब्बे होते हैं, तो वो उसमें आराम से आ जाएगा। और अभी यहाँ पर मुझे इन्हें उठा उठा के डालना पड़ेगा। ये तो है स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जाएगा इसके अंदर, ये है, ये इसके अंदर जाएगी, ये तो हो गई, बस एक ये स्टोर रह गई। इस स्टोर को डाल दिया यहाँ पे, और साइलेज भी अभी है, बस मिनरल फीड ले आता हूँ। उस छोटे वाले ट्रेलर के लिए मुझे गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। गाड़ी सामने ऊपर पार्क हो रखी है, गाड़ी ये यहाँ पे पार्क हो रखी है। और इस गाड़ी को मैं सोच रहा हूँ कि ये भी रेंट पे ली हुई थी, इसे भी चेंज कर ही लेता हूँ, आज कोई और गाड़ी ले लेता हूँ। वैसे तो इसके इंटीरियर वगैरह काफ़ी सही है, ये मैंने पूरे कस्टमाइज चूज़ किए थे, बट ये गाड़ी जो है फार्म पे काम करने के लिए ना इतनी सही नहीं लग रही मेरे को। एक प्रॉपर कोई एसयूवी लेके आता हूँ। तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेलर ही रह गया, उसके अलावा तो कुछ नहीं रहा। बाकी इस गाड़ी को वापस करना है तो इसको जो है यहाँ पे पार्क करके वापस करना पड़ेगा। इसको कर देते हैं वापस, और अब एक नई गाड़ी देख लेता हूँ। तो एक ही नई जीप आई है, ये वाली जीप मैं सोच रहा हूँ कि इसे ले लेता हूँ। ऐसी एक और जीप भी थी पहले, बट इसका इंजन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें एक तो जो है नॉर्मल इंजन आता है 60 हॉर्स पावर का, एक 90 का है, और एक जो है 200 हॉर्स पावर का है। तो 200 हॉर्स पावर वाला लेता हूँ। बाकी इसमें जो है और भी ऑप्शन है, जैसे मैं ऊपर यहाँ पे एक कवर लगा सकता हूँ, या फिर जो है आगे से ग्लास थोड़े बॉर्डर वाले हो सकते हैं। और मैं कुछ नहीं लगाता, इसको ओपन ही रखता हूँ, ज़्यादा बेटर है। और इसमें जो है यहाँ पीछे अटैचमेंट तो नॉर्मल वाली रखता हूँ, और आगे ये विंच है। विंच अगर कोई गाड़ी वगैरह अपनी फंस जाए तो उसको खींचने के लिए है। बाकी मैं इसको हटा भी सकता हूँ, और ये ऑप्शनल है, इसको ले भी सकता हूँ, तो उसको ले लेता हूँ। ये काम आ जाएगी, अपनी कोई गाड़ी वगैरह फंसेगी तो इससे जो है निकाल लूँगा मैं। और पीछे स्पेयर व्हील का भी ऑप्शन है, ये जो है मैं ले ही लेता हूँ। तो पीछे स्पेयर व्हील भी जो है अच्छा लगता है इसमें। और बाकी उसके अलावा जो है इसमें कलर की ऑप्शन है, कलर तो जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कलर तो मेरे को ठीक ही लग रहा है इसका, ये वाला कलर, या फिर थोड़ा कोई डार्क कलर देख सकते हैं। तो इसको जो है मैंने डार्क ग्रे में कर लिया, डार्क ग्रे में फिर भी ठीक लग रही है ये, डार्क ग्रे सही है इसके लिए। तो इसको जो है अभी परचेज तो नहीं करूँगा, 24,000 यूरो की है, इसको जो है रेंट पर ही लेता हूँ। रेंट पर सिर्फ 1,224 यूरो की पड़ेगी। और एक और चीज़ मुझे परचेज़ करनी है, वो है मिनरल फीड। और अभी जो है ये एक ही पैलेट काफ़ी रहेगा, 1,000 यूरो का आएगा। तो जीप भी इन्होंने यहाँ पे डिलीवर किया है, तो सही किया है इन्होंने, सारी चीज़ें एक ही जगह डिलीवर कर दी। ऐसा नहीं कि शोरूम पे इधर उधर कहीं डिलीवर कर रहे हो। बाकी जीप देखने में बढ़िया लग रही है, टायर तो इसके काफ़ी सही लग रहे हैं, और अभी नए हैं इसलिए अच्छे लग रहे हैं। थोड़े दिन खेतों में चलेगी तो जो है सब गंदा हो जाएगा, सारी मिट्टी वगैरह लग जाएगी इस पर। और बाद में तो मैं यहाँ पर वॉशिंग का स्टेशन लगा लूँगा, तब सारे अपनी व्हीकल जितने हैं वो सारे साफ़ हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल वैसे भी ये रेंटेड है, तो गंदी भी हो जाएगी, तो क्या इसको वापस कर देंगे। और बाद में जब मैं इसको परचेज़ करूँगा तब जो है वॉशिंग का देखना पड़ेगा, प्रॉपर वॉशिंग का लगाना पड़ेगा। बाकी इसे अभी अटैच कर लेता हूँ, और आवाज़ तो काफ़ी सही है, प्रॉपर जीप वाला इंजन है इसका, और डीजल इंजन है ये, आवाज़ से ही पता चल रहा है। अटैच करके थोड़ा सा इसे आगे कर लेता हूँ। और इस गाड़ी के इंटीरियर तो कुछ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाहर से ही दिख रहे हैं, एक्सटीरियर से इंटीरियर दिख रहे हैं, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ। कुछ नहीं है, बेसिक है, और ये बीच में जो है 4x4 के कंट्रोल है, और सामने बस एक स्पीड का मीटर है। अब मैं ज़रा इसको उठा के रखूँ इसके ऊपर, और इसमें बेल्ट बांधने की ऑप्शन तो आ रही होगी। जो पीछे ट्रेलर है इसमें बेल्ट बांधने की ऑप्शन नहीं है, बट गिरेगा नहीं, छोटा सा तो पैकेट है, आराम से ले जाता हूँ। ऐसी ज़्यादा तेज़ मुड़ूंगा तो गिर जाएंगे, हल्का सा तो खिसक गया, पर ज़्यादा तेज़ मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है, तो यहाँ से आराम से लेके चलता हूँ। और वैसे मेरे को साइड में दिख रहा है ग्लास में पीछे रखे हुए, अगर गिरेंगे तो पता चल जाएगा। बाकी टॉप स्पीड इसकी 95 की है, जीप के हिसाब से तो स्पीड काफ़ी सही है। और मैं यहाँ से रास्ता ना भूल जाऊँ ये वाला, क्योंकि पिछली बार ये वाला रास्ता छूट गया था, तो मुझे जो है रोड ट्रेन को आगे ले जाना पड़ गया था, इधर से ही मुड़ना है।
इस जीप का पिकअप काफ़ी सही है। जो पहले वाली जीप थी वो भी ठीक है, बट उसका पिकअप इतना अच्छा नहीं है। इसका पिकअप तो जो है काफ़ी सही लग रहा है, और उसकी पावर कम है, वो शायद 80 bhp के आसपास है, ये 200 bhp की है। बस इसको यहीं छोड़ के मैनुअली उठा के डाल देता हूँ, क्योंकि इधर जो है दो ट्रैक्टर पार्क हो रखे हैं, थोड़ी जगह कम है मोड़ने के लिए। इसको मैनुअली यहाँ पे रखता हूँ, ये यूज़ होना शुरू हो जाएगा, तो काउस के लिए खाना बनना भी अब शुरू हो गया। बाकी मैंने यहाँ पे रोड ट्रेन तो बना ही लिया है, तो अब यहाँ पे जितनी भी फार्मिंग होगी सारी की सारी बड़े लेवल पे होने वाली है। मतलब यहाँ पे खेत काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं जो है फार्मिंग भी बड़े लेवल पे करूँगा। जब मैं फार्मिंग करूँ तो सारे खेतों में सिंगल क्रॉप लगाऊँ, मतलब जैसे अभी मैंने अगर वीट लगाया तो मेरे पास जितने भी खेत अवेलेबल होंगे सबके अंदर वीट ही लगाऊंगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जो है एक साथ सारी की सारी क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकता हूँ, काफ़ी सारे हार्वेस्टर लगा सकता हूँ वहाँ पे, मतलब 5-6 हार्वेस्टर लगा दिए और इकट्ठा क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगी। तो उससे होगा ये कि काफ़ी सारी जो है क्रॉप निकलेगी, और मैं अपनी रोड ट्रेन का यूज़ करके सारे की सारे हार्वेस्ट को इकट्ठा एक बार में जाके सेल कर सकता हूँ, और एक बार में ही इतना बड़ा ऑर्डर हो जाएगा कि 3-4 लाख यूरो तो आराम से आ ही जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में यही ट्राई करेंगे कि सारे खेतों को खाली करके और जो है सिंगल क्रॉप लगाऊँ जिसका भी सीजन होगा। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।